हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बहुत अच्छे से होंगे। कल है बड़ अमावस्या, वट सावित्री भी इसको बोलते हैं। वैसे हम लोग इसको बड़ अमावस्या ही बोलते हैं, लेकिन मैंने वट सावित्री इसलिए बताया क्योंकि बहुत सारे लोग इसको वट सावित्री के नेम से जानते हैं। तो बस अभी सब काम फिनिश्ड हो गया है और मैंने सोचा कि नेल पेंट अपना चेंज कर लेती हूँ। वैसे हर बार मैं मेहंदी लगाती हूँ, लेकिन मेहंदी का कोन अवेलेबल नहीं था और शाम को याद आया, तो अभी तो शॉप्स वगैरह सब उतना ओपन नहीं हो रही हैं। तो बस यहाँ पे मम्मी यही बोलती हैं कि अगर मेहंदी ना लगा पाओ तो नेल पेंट्स वगैरह चेंज कर लिया करो। तो वही मैंने सोचा कि अभी अपना गर्मा गर्म कॉफ़ी बना के लेके आई हूँ और कॉफ़ी इंजॉय कर रही हूँ। और बाहर हो रही है बारिश बहुत तेज़। महाराष्ट्र में जो मानसून है वो आ ही गया है, तो वेदर बहुत ही ठंडा था और मैंने बहुत ही प्यारे प्यारे सॉन्ग्स लगाए और मैंने सोचा कि चलिए मैं अपना नेल पेंट लगाना शुरू करती हूँ और आप लोगों के साथ भी एक छोटा सा जो व्लॉग है मेरा वट सावित्री वाला वो शेयर करती हूँ कि कैसे कैसे मतलब दिन जाने वाला है वो सब चीज़ें। नेल पेंट रिमूव किया और नेल फाइल किए। आज ही नेल फाइलर आया है ऑनलाइन वेगा का। एक्चुअली यहाँ पे लोकल शॉप पे मेडिकल स्टोर वगैरह पे पता किया था अवेलेबल ही नहीं था, पहले तो शायद रखते थे तो इसीलिए मुझे ऑनलाइन ऑर्डर डालना पड़ा था। और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ, ये मेरे पास टॉप एंड बेस कोट है, बहुत अच्छा है ये, मैंने ग्लासगो से ही लिया था। तो अगर हम इसको लगा लेते हैं ना तो हमारी जो नेल पेंट है वो लॉन्ग लास्टिंग भी रहती है और नेल्स हार्म भी नहीं होते हैं। तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम इसको मतलब लगाती हूँ बेस कोट और फिर कलर अप्लाई करती हूँ, देन मैं टॉप कोट लगाती हूँ। और ये एकदम क्विक ड्राई है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लेता सूखने में। तो सबसे अच्छी जो ख़ास बात है ना इस नेल पेंट की ये है। तो चलिए मैं नेल कलर अप्लाई करती हूँ, फिर आपको अपने हैंड्स दिखाती हूँ। फ्रेश नेल पेंट लगाओ तो हाथ बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं। और बताइएगा आप लोगों को कैसे लगे हैं मेरे हैंड्स, मेहंदी लगाती तो और ज़्यादा सुंदर लगते। और यहाँ पे मैं ना कल सुबह के लिए ड्रेस ही निकाल के रख रही हूँ। एक्चुअली अभी अभी सौरभ ने मुझे याद दिलाया, कल से अन्वित के स्कूल शुरू हो रहे हैं और लिटरली मैं तो बिल्कुल भूल ही गई थी, दिमाग में ही नहीं था कि कल से अन्वित के स्कूल शुरू हो रहे हैं। तो इसीलिए रात में ही ना काफ़ी सारे प्रिपरेशन करके रखनी पड़ेंगी। तो मैंने सोचा कि इनको जो भी मेरी ड्रेसेस वगैरह ना सब निकाल लेती हूँ, क्योंकि सुबह बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा, उसकी 10 बजे से क्लास शुरू है। तो जो भी सब काम है ना, पूजा तैयार खाना सब 10 बजे से पहले करके रखना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने सोचा कि जो भी रेडी जो भी मैं तैयारी करूँगी वो भी करके रख लेती हूँ। फाइनली मैंने अपनी कल की ड्रेस तैयार कर ली है और बहुत ही टाइम लगा सोचने में, क्योंकि कभी कभी कुछ समझ में नहीं आता तो मैंने एक कलर कॉम्बिनेशन मिलाया है। तीनों ही अलग अलग चीज़ें हैं बट इनका कलर कॉम्बिनेशन मैंने मिला के तैयार किया है। तो ये वाली रिंग पहनने वाली हूँ, नेकलेस पहनने वाली हूँ। ये वाला नेकलेस मुझे मेरी फ्रेंड ने भेजा था, हैंडमेड है और बहुत सुंदर वो काम करती है। तो बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा ये कलर कॉम्बिनेशन। सो अभी टाइम हो गया है सुबह के 6 और मैं वॉक करने आई हूँ, क्योंकि आजकल ना मेरी आँख बहुत ही ज़्यादा जल्दी खुल जाती है, पता नहीं क्यों। और मतलब मैं सोचूं कि मैं आराम से उठूँगी बट और ज़्यादा जल्दी आँख खुल जाती है। खैर आज तो मतलब जल्दी और ज़्यादा जल्दी उठना भी था, तो मैंने सोचा कि चलिए मैं वॉक करके आती हूँ, रनिंग करके आती हूँ, क्योंकि आज का अगेन जो खाना है वो पक्का खाना बनने वाला है। तो आज की जो वॉक है और एक्सरसाइज है वो तो किसी भी कीमत पर स्किप होना बनता ही नहीं है। तो मैंने सोचा कि एक अच्छा सा वॉक और रनिंग करती हूँ और फिर उसके बाद जो अपना तैयार और खाना वगैरह है ना वो सब जाके करूँगी। सो
सो फाइनली मैंने अभी शावर ले लिया है अपनी एक्सरसाइज के बाद, और अभी मैंने अपना ये सूट पहना है क्योंकि मैंने जो रात में ड्रेस निकाली थी ना वो मतलब पहन के अभी बिल्कुल भी काम नहीं होगा, बट ये सूट पहन के ना फटाफट मैं मतलब काम कर लूँगी और उसके बाद फिर अपना ड्रेस पहनूँगी। तो बाकी मैंने अपनी जो चूड़ियाँ वगैरह है ना वो पहन ली हैं, और इसमें मतलब बेसिकली सुहाग के लिए होता है ना, तो इसलिए इसमें सब चीज़ें करनी पड़ती हैं जैसे करवा चौथ में करते हैं। तो करवा चौथ में तो खैर मैं बहुत ही अच्छे से करती हूँ, लेकिन आज चूँकि काम बहुत ज़्यादा था और मतलब जल्दी करना था इसलिए बस फटाफट मैं अभी तो ऐसे तैयार हो गई हूँ, और अभी सिंदूर बिंदी वगैरह जो भी हैं वो लगाऊँगी और उसके बाद मैं सीधा जाऊँगी किचन में काम करने के लिए। तो बस यहाँ पे मम्मी लगा रही हैं आटा। हमारे यहाँ पे आज के दिन तीन तरह की पूरी बनती हैं, मीठी पूरी और नमकीन पूरी और फीकी पूरी। और आज मेरा प्लान था कि मैं मतलब छोले समोसे बनाऊंगी, तो इसी के लिए मैंने कल शाम को ना ये जो मटरा वगैरह है वो सब मैंने भिगा के रख दिया था, लेकिन ये जब सौरभ ने मुझे बताया कि अनवित का क्लास है तो समोसे बनाने में तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, तो फिर मम्मी बोलने लगी कि सब्ज़ी और पूरी ही बना लेते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे बनता पक्का खाना ही है और समोसे छोले ये सब ऐसा चीज़ है कि बिना प्याज के हम लोग बना सकते हैं। तो पूरी जो प्लानिंग है ना वो मतलब छोले समोसे वाली चौपट हो गई, और मतलब सोचा तो यही था। और हमारे यहाँ पे ऐसे बड़ के पेड़ की पूजा होती है ना, तो ये मतलब ऐसे सुबह मम्मी और पापा वॉक के लिए गए थे और वो फिर ऐसे लेके आए थे टहनी तोड़ के, और यहाँ पे मम्मी पहले मीठी पूरी बनाएंगी और उसके बाद फिर जो नमक की हैं फीकी पूरी हैं वो ही बनेंगी। तो हमारे यहाँ पे बेसिकली पूजा में ना आज के दिन यही लगती हैं क्योंकि हर घर के जो रीति रिवाज होते हैं ना वो एकदम अलग होते हैं, और आपके यहाँ हो सकता है कि कुछ डिफरेंट तरीके से होता हो, हमारे यहाँ पे ऐसे ही होता है स्वीट डिश में, मतलब ये मीठी पूरी ही बनती हैं। तो जो भी ट्रेडिशन होता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती ही हूँ। तो बस उधर मम्मी पूरी की तैयारी कर रही थी और इधर मैं सब्ज़ी बनाने की तैयारी, तो सब्ज़ी में डिसाइड हुआ कि पनीर बना लेते हैं, और पनीर आज एकदम डिफरेंट स्टाइल का बनाने वाली हूँ क्योंकि बिना अनियन और गार्लिक का जो पनीर होता है ना उसमें मतलब टेस्ट को एनहांस करना थोड़ा सा टफ हो जाता है बहुत बार। तो बस मैंने, लेकिन ये वाला जो पनीर है ना अगर आप इसको ट्राई करेंगे ना तो आई एम श्योर कि आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे, आपको ये पसंद आएगा। तो इसमें मैंने बिग साइज़ के 4 टोमेटोज़ लिए हैं, इसमें मैंने जिंजर डाला है, इसमें मैंने ग्रीन चिली ऐड किया है, और इसमें मतलब मैं ऐड करूँगी जो इस ग्रेवी की जान है वो है ये पीनट्स, और इसमें डालूंगी थोड़े से तिल क्योंकि तिल से ना इनका जो ग्रेवी का जो टेस्ट है ना वो बहुत अच्छा आने वाला है। और इन सबको ऐड करने के बाद ना मैं इसका एक स्मूथ पेस्ट बनाऊंगी एकदम मक्खन मलाई वाला। सो बस यहाँ पे कढ़ाई में मैंने मस्टर्ड ऑयल ऐड कर लिया है, और ऑयल जब मेरा बहुत अच्छे से खोल जाएगा ना एकदम मतलब इसकी अंतरात्मा सीख जाएगी तब मैं इसमें डालूंगी अपने खड़े मसाले, और खड़े मसाले आपको सभी डालने हैं। तो मैंने जैसे सिनेमन स्टिक लिया है, क्लोव लिया है, और बड़ा इलायची लिया है, और तेज़पात लिया है, और थोड़ी सी मैंने इसमें पेपर ली है, वो सब मैंने इसमें ऐड किया है। और इसमें मैं ऐड करूँगी ज़ीरा, हींग, और जो भी मेरे बेसिक मसाले हैं ना वो सब मैं ऐड करूँगी, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, और इसमें मैंने जो प्योरी बनाया था ना वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और इस ग्रेवी की जान है ये SDS मसाला, जो कि आप देख ही रहे हैं कि मैं बहुत लॉन्ग टाइम से अपनी कुकिंग में यूज़ करती हूँ, मेरी दीदी ने मुझे बताया था ऑलमोस्ट मुझे इसको यूज़ करते हुए 5 साल हो गए हैं, और जिन लोगों ने भी इसको यूज़ किया है वो मतलब इसको फ्रूटफुल पाया है, बहुत लोग इसको यूज़ करने लगे हैं मेरे व्लॉग्स देखने के बाद। और आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा भी था कि हम इसको बाय कर सकते हैं, तो मैंने उनको बोला कि यस आप बाय कर सकते हैं आंख बंद करके, क्योंकि इसका दम आलू मसाला और पनीर मसाला दोनों ही बहुत अच्छे हैं, ग्रेवी को एक अलग टेस्ट मतलब दे देते हैं। अमेज़ोन पे ये अवेलेबल हैं, मुझे तो मतलब मेरी दीदी दे देती हैं तो इसलिए वो काफ़ी चल जाते हैं, और इसीलिए तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा। तो बस यहाँ पर ग्रेवी को बहुत अच्छे से पकाना है ढक कर, क्योंकि ढक कर जब हम कोई सब्ज़ी पकाते हैं ना तो उसका जो अरोमा है वो बरकरार रहता है। और बस यहाँ पे मीन वाइल मैं
करूँगी मम्मी के साथ पूरी की तैयारी, और पूजा की हमारी जो पूरी है ना वो एक बार तैयार हो जाएगी तो बस फिर हम लोग जाएंगे तैयार होने के लिए, और तब तक हमारा जो सब काम है वो मतलब हो भी जाएगा। मेरी ग्रेवी बहुत अच्छे से पक गई है, इसके अंदर मैंने बॉयल्ड मटर ऐड कर दी हैं, वो मैंने सुबह ही बॉयल करने के लिए रख दी थी। इसमें मैंने पनीर ऐड कर दिया है, कसूरी मेथी ऐड की है, सोल्ट ऐड किया है, और अगेन मैं इसको पकने के लिए रख दूँगी, क्योंकि हमारी जो सब्ज़ी है वो जितना ज़्यादा पकती है उसमें जो टेस्ट है ना वो उतना ज़्यादा डेवलप होता है। और बस ये करने के बाद हमारी जो पूजा की तैयारी है ना वो भी हो ही गई है। तो बेसिकली हमारे यहाँ आज के दिन बायना निकलता है, तो मैं तो मम्मी को बायना देती हूँ, लेकिन मम्मी यहाँ पर हमारे यहाँ एक मंदिर है वहाँ पे बायना देने के लिए जाया करती थी, लेकिन क्या है कि अभी जब से लॉकडाउन हुआ है तब से वो पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा, क्योंकि मंदिर वगैरह सब बंद रहते हैं, तो इसीलिए हमें जो मम्मी का बायना है ना वो मतलब कबूतरों को डालना पड़ता है, क्योंकि वो कोई और तो खा नहीं सकता, इसीलिए मतलब उस हिसाब से हमें वो थाली तैयार करनी पड़ती है। तो मम्मी वही बोलते हैं कि कब मंदिर खुलेगा, कब मैं अपने बायने की जो थाली है वो मतलब जो मंदिर में ब्राह्मणी है उनको देने के लिए जाऊँगी। बेसिकली बायना अपने से बड़ों को दिया जाता है, तो मेरे पास तो यहाँ पर मम्मी है और मैं उनको अच्छे से दे देती हूँ, तो मुझे मतलब अच्छा लगता है वो। और यहाँ पे रैंडमली प्लान हुआ था आलू की सब्ज़ी बनाने का, सूखे आलू की, क्योंकि मैंने अनवित के बर्थडे पे बनाई थी ना और वो सब लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी पूरी के साथ, और सौरभ ने मतलब बोला ही था बनाने के लिए, तो इसलिए मैंने फटाफट मतलब आलू बॉईल करने के लिए रख दिए और मैं इनको अभी फ्राई ही करूँगी। तो सौरभ के बर्थडे व्लॉग में, अनवित के बर्थडे व्लॉग में मैंने अभी ये आलू की सब्ज़ी बनाई थी, अगर आप लोगों को रेसिपी चाहिए तो वहाँ से आप देख सकते हैं। बहुत ही बेसिक मसालों के साथ बनती है, लेकिन बहुत बहुत ये सब्ज़ी टेस्टी लगती है पूरी के साथ, पराठे के साथ, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। आई मस्ट से कि आपको ये पसंद आने वाली है, हमारे घर में तो ये फेवरेट है, स्पेशली सौरभ को ये बहुत ज़्यादा पसंद आती है, तो इसीलिए काम बहुत ज़्यादा था लेकिन उन्होंने फरमाइश की तो फिर मुझसे रुका नहीं गया और मैंने सोचा कि चलिए फटाफट बना देती हूँ, टाइम ही कितना लगने वाला है। सो बस अभी पूजा की सभी तैयारी हो गई हैं, तो मम्मी भी तैयार होने के लिए चले गई और मैं भी, और जो भी मतलब बेसिक मेकअप वगैरह है ना फटाफट मैं वही करूँगी, क्योंकि अभी टाइम हो गया है 8:45 और हमें पूजा में भी टाइम लगेगा, फिर हमें ब्रेकफास्ट भी करना है, अनवित को भी कराना है, तो इसीलिए जितना हो पाएगा फटाफट मैं रेडी होती हूँ और आप लोगों के साथ अपना जो लुक है ना आज का वो शेयर करती हूँ। तो बताइएगा आप लोगों को मेरा आज का जो लुक है वो कैसा मतलब लगा है, और बहुत लोग ना डिमांड करते हैं कि मैं आप लोगों के साथ ना आई मेकअप शेयर करूं, तो उसका कभी मैं सेपरेट ट्यूटोरियल बनाऊंगी और बहुत ही सिंपल तरीके से करती हूं। और एक्चुअली मैं कोई मेकअप व्लॉगर नहीं हूं ना, तो बहुत बार मुझे ऐसा लगता है कि मतलब शूट करने में ना बहुत बार मेरे पास लाइटिंग का भी प्रॉब्लम है तो वो परफेक्ट नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी आप लोगों की जो रिक्वेस्ट है वो मैं पूरा करूँगी, और मैं कैसे आई मेकअप करती हूँ वो आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। सिंपल करती हूँ लेकिन आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, और आप मेरे जो मतलब फेस्टिवल व्लॉग्स हैं जिसमें मैं तैयार होती हूँ तो उसमें मतलब मुझे क्वेश्चंस आ ही जाते हैं कि आप अपना जो ये मेकअप लुक है ना वो मतलब शेयर करें, तो मैं कोशिश करूँगी आप लोगों के साथ शेयर करने का। तो चलिए बस मैं अभी रेडी होती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ फिर आज। सो हमारे यहाँ पे जो ये वट की टहनी है उनकी पूजा तो होती है, साथ में ये हल्दी से हम लोग वट का पेड़ भी बना लेते हैं, वट देवता बोलूँ वट का पेड़ बोलूँ आई डोंट नो, मम्मी ने मुझे बनाने के लिए बोला तो बस मैंने बना दिया, उन्होंने बता दिया कि कैसे कैसे बनाना है, तो ऐसे हल्दी से पेपर पे बनाते हैं और इसको दीवार पे चिपकाते हैं। तो बस यहाँ पे मम्मी और मैं अभी करेंगे अपनी पूजा।
हमारी पूजा की थाली और टाइम 9:30 हो गया था। फिर मम्मी बोलने लगी कि अनवित और तुम दोनों फटाफट पहले खा लो और बाद में आज हम लोग खा लेंगे। तो यूजुअली मैं सबको खिला के ही बैठती हूँ, लेकिन आज मम्मी बोली कि नहीं फटाफट तुम खा लो पहले और फिर बाद में हम लोग खा लेंगे। तो मम्मी फिर वो पूरियाँ ही सेकने लग गई और बिल्कुल भी टाइम नहीं था अनवित को खिलाया, क्योंकि अनवित को खिलाने में ना टाइम लगता है, बहुत स्लोली स्लोली वो खाता है। और फिर मुझे भी मतलब मैं तो खैर जल्दी जल्दी खा लेती हूँ, चेंज वगैरह भी करना था एनीवेज, तो बस अभी मैंने फटाफट चेंज किया और मैं से दुल्हन की तरह बैठी थी। मुझे लगा मैम देखेंगी तो सोचेंगी आज ये दुल्हन बनी क्यों बैठी है। टाइम पे काम हो गया, 4 मिनट बचे हैं बस क्लास ऑन मतलब क्लास होने में। फाइनली सुबह से अब आके मुझे फुर्सत मिली है और अपने लिए ना स्वीट डिश है, मीठी पूरी लेके आई हूँ। आज के दिन ना हमारे यहाँ पे मीठी पूरी बनती है और आज तो ना बहुत ही सब कम भागम भाग भागम भाग ऐसा करना पड़ा। अनवित की क्लास में 3 मिनट रह गए थे जब मैंने मतलब ज्वाइन किया, लेकिन फिर भी टाइम पे हो गया क्योंकि सौरभ ने सब लैपटॉप वगैरह ऑन करके रख दिया था। और मैंने सोचा कि पहले तो मैं मतलब घबरा गई कि शायद व्लॉग शूट ना कर पाऊँ, क्योंकि बहुत जल्दी में ना व्लॉग शूट करना बहुत टफ होता है। लेकिन आज सुबह बहुत जल्दी आँख खुल गई थी मेरी, तो मैंने सोचा कि जिस दिन तैयार होती हूँ ना तो मेरा मन करता है कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, क्योंकि आप लोगों को तैयार वाला लुक मेरा बहुत अच्छा लगता है ना, और मुझे भी अच्छा लगता है आपको दिखाना। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो जैसा भी होगा शुरू करती हूँ, और छोटा सा भी होगा जैसा भी होगा आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ अपना व्हाट सावित्री का। वैसे हमारे यहाँ पे इसको बड़ा अमावस्या भी बोला जाता है, उसका मतलब ऐसे बड़ा अमावस्या का व्रत भी बोला जाता है, बड़ी की पूजा होती है। लेकिन यहाँ पे महाराष्ट्र में वैसे व्हाट सावित्री के नाम से ज़्यादा फेमस है। तो ऐसा था आज का दिन और अभी मैं करूँगी रिलैक्स थोड़ा सा और अपनी स्वीट डिश मीठी पूरी इन्जॉय करूँगी, अच्छी लगती है मुझे। और मैंने ऐसे अपना नेकलेस वगैरह सब कुछ निकाल दिया था, मैंने कहा क्लास के बीच में मैम बोलेंगे दुल्हन बनी क्यों बैठी है, तो लेकिन उनको मेरा ज़्यादा कुछ चेहरा दिखाई नहीं दिया, तो सोचा कि चलो आपको मैं थोड़ी बातें कर लूँगी। और आपके यहाँ पे किस किस के यहाँ पे व्हाट सावित्री वाला उपवास होता है आप लोग बताइएगा कैसे कैसे होता है। हमारे यहाँ पे बस ऐसे सिंपल तरीके से ही होता है, जैसे आपने देखा है ना मोस्ट ऑफ द फेस्टिवल्स के यही रूल होते हैं कि मीठी पूरी बनती है, उन्हीं से हमारे यहाँ पे बायना निकलता है, बाकी ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं होता है। और जल सलाना वगैरह ये सब होता है, पूजा होती है, ऐसा मतलब हम लोग यहाँ पे रहता है। बस पक्का खाना इंपॉर्टेंट होता है, आज खाना भी मैंने भागते दौड़ते ही खाया, अनवित को खिलाते अपना आप खिलाते, तो बट ये था कि हो गया। एनीवेज तो चलिए, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते ना तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा, क्योंकि वहाँ पर मैं अपने अपडेट्स ना डालते रहती हूँ। और अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है मुझे सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरे ब्लॉग्स थोड़े से भी पसंद आते हैं तो प्लीज़ शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, मुझे भी ग्रो करने का मौका दें। तो चलिए जल्दी मिलेंगे आप लोगों से एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक आप रख रहे हैं अपना बहुत बहुत सारा ख्याल। बाय, टेक केयर, बाय।